हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे वह है हमारा रिवीजन का क्लास है, और रिवीजन की क्लास की अगर बात करें तो लगभग 900 प्रश्नों का आपको रिवीजन मिलेगा। लगभग 900 प्रश्नों की हम बात करें तो लगभग 900 प्रश्न आपको मिलेंगे रिवीजन के क्लास में, और आपको हर एपिसोड 100-100 क्वेश्चन मिलेगा। दिन भर में आपको लगभग 2 एपिसोड आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 2 और 3 हम कोशिश करेंगे आपको देने का, ताकि आपका अच्छा से रिवाइज हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और टारगेटेड की अगर बात करें तो ये टारगेटेड 69 बीपीएससी को लेकर के है, और ये बहुत ही हैवी आपका सीरीज होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस शुरुआत का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे तो कहता है कि हाल ही में किसने, तो इसरो ने पूछता है कि हाल ही में इसरो ने अपना पहला सौर मिशन कौन सा, तो देखिएगा कहता है कि पहला सौर मिशन जो है लॉन्च किया, इसका नाम बताइए। कहता है कि बताइए कि इसरो ने अपना पहला कौन सा सौर मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम बताइए। तो ये देखिए आदित्य L1 हो जाता है, याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाता है। आदित्य L1 नाम रहता है इसका सौर मिशन का, और इसको शुरुआत किया किसने, इसरो ने प्रारंभ किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो प्रश्न है कहता है कि हाल ही में कहाँ भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई सहल को GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि बताइए कहाँ पर भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये होता है जम्मू कश्मीर का। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, जम्मू कश्मीर का ये होता है खाद्य पदार्थ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा कहता है यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। कहता है हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला है, तो ये देखिए डॉक्टर रवि कन्नन आर हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का देखिएगा, तीसरा का आंसर ये हो जाता है, डॉक्टर रवि कन्नन आर हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर रवि कन्नन आर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चार नंबर देखिएगा। कहता है यहाँ पे चौथा देखिए, कहता है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बताइए, रेलवे बोर्ड की कौन सा, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा इनका नाम हो जाता है जय वर्मा सिन्हा नाम होता है, इनका नाम होता है जय वर्मा सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है, जय वर्मा सिन्हा यही है, हो जाती हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पाँच नंबर देखिए। कहता है यहाँ पे पाँच नंबर कि हाल ही में कौन सा, तो विश्व एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलवाया है। पाँच नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि बताइए कहाँ विश्व एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलवाया, तो नाम आपको याद होगा नीरज चोपड़ा ने दिलवाया। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, रिवाइज में फटाफट कर लेते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में, छः नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस देश ने, कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो ये किस देश ने उन्हें सम्मानित किया, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, वो कंट्री आपका ग्रीस रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसने ग्रीस ने किया था। सात नंबर देखेंगे, सात नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने, कहता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिन को, कहता है किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, कौन सा, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो किस दिन को मनाया जाएगा, ये 23 अगस्त हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है, कब, 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, आठ नंबर सवाल देखिएगा, आठ नंबर कहता है यहाँ पे,
आठ कहता है कि हाल ही में हुए शतरंज विश्व कप 2023 का, ये शतरंज विश्व कप 2023 इसलिए याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर रहे भारतीय का नाम बताइए कौन हो जाते हैं, दूसरे भारतीय का नाम बताइए जो दूसरे स्थान पर रहे हैं उनका नाम क्या हो जाता है, तो आठ का देखिए इनका नाम होता है आर प्रागना नंदा हो जाता है, आर प्रागना नंदा हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा नौ नंबर सवाल देखिए, नौ कहता है यहाँ पे कि हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक, कहता है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश बना है, तो भारत कौन सा देश हो जाएगा, तो ये देखिएगा आपको ये चौथा स्थान हो जाता है भारत का। ठीक है, और बात करें कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश हो जाता है भारत। ठीक है, और इस तरह से अगर देखा जाए तब चौथा हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दस नंबर सवाल देखते हैं, दस नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 2024 में, दस नंबर देखिए, कहता है कि 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है, भाई कहता है किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है कब के लिए, तो 2024 में जो चुनाव होने जा रही है, 2024 में कहता है कि बताइए कि आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है, तो कौन हो जाएंगे, ये हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएंगे, तो सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 11 नंबर देखिए, कहता है 11 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कहता है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, 11 नंबर क्या कहता है, कहाँ किया गया, कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। अगला देखिएगा 12 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, 12 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में आयोजित किए गए महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है। ठीक है, 12 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि हाल ही में बताइए आयोजित किए गए महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का कहता है कि विजेता कौन बना है, तो बताइए, तो ये विजेता आपको कौन हो जाता है, स्पेन हो जाएगा। 12 का क्या होता है, इसका सी आंसर हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर कहता है यहाँ पे, 13 कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने, कहता है कि बताइए हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च किया है, कौन सा मुफ्त, कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च किया है, तो 13 का क्या हो जाएगा, तो ये जो सरकार होती है ये आपको राजस्थान ने किया है, किसने, तो राजस्थान ने किया है, याद रखिएगा मुफ्त स्मार्टफोन देने की बात किया है, वहाँ पे एक योजना चल रही है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में कब, तो 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कितने वर्ष पूरे हुए हैं भाई, तो 14 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा अभी तक 4 वर्ष हो गया, याद रखिएगा कितने वर्ष तक हो गए, तो 4 वर्ष हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 15 कहता है कि हाल ही में भारत ने, कहता है कि हाल ही में भारत ने कौन सा तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया है, 15 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि बताइए हाल ही में भारत ने तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया है, तो ये 7 अगस्त हो जाएगा, 7 अगस्त को मनाया, कब मनाया, तो 7 अगस्त को मनाया, आंसर क्या हो जाता है, 15 का ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कहता है कि WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है, कहता है कि बताइए WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त जो है वो घोषित किया गया है, तो ये हो जाता है आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाता है, तिमोर लेस्टले हो जाता है और भूटान हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है, कहता है कि बताइए हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है, तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए आंसर बी हो जाता है, किसको, भायखला को मिला है, याद रखिएगा भायखला को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर देखिए, 18 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे,
18 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे ये सारा का सारा जो 900 क्वेश्चन आपको होगा बहुत ही भिव्याई हो जाता है, ठीक है, और बाकी और भी सीरीज चल रहा है आपके पास, क्योंकि करंट आपसे छूटेगा नहीं। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है भाई? तो किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हो जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा, तो PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक क्या किया, प्रक्षेपित किया। कहता है किस देश के उपग्रह को सफलतापूर्वक क्या किया, प्रक्षेपित किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर के हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? आंसर सिंगापुर हो जाता है, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था भाई? 20 नंबर क्या हो जाएगा? कहता है कि बताइए, ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जो विमोचन करते हैं गृह मंत्री होते हैं अमित शाह के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन जो है ये अमित शाह के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कहता है किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न देखिए, कहता है कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और कहता है कि राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो लखनऊ में हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तो लखनऊ में होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर देखिएगा, देखिए 22 नंबर कहता है, याद रखिएगा इसको, और ये भी बहुत VBI है। कहता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, कहता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? कहता है कि बताइए पहला भारतीय शहर कौन है जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में क्या हुआ, शामिल हुआ। तो ये आपका हो जाता है बेंगलुरु। कौन? तो बेंगलुरु को शामिल किया गया। चलिए अगला देखिए, आंसर ए हो जाता है। 23 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में भारत के कौन सा, तो 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भाई? 23 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 23 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बताइए हाल ही में भारत के कौन सा, तो 83वां बोलता है कि 83वां बताइए शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये हो जाता है आंसर सी, आदित्य सामंत नाम रहता है इनका। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, आदित्य सामंत नाम रहता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 24 नंबर सवाल देखिएगा, 24 यहाँ पे कहता है कि बताइए हाल ही में राजस्थान के किस ज़िले में चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि बताइए राजस्थान के किस ज़िले में और कहाँ पे चंबल नदी के तट पर विश्व का पहला, याद रखिए, विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो ये देखिए कोटा में बनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे? तो कोटा में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, कोटा। अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही कौन सा शाओनी SAUNI शाओनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है भाई? तो शाओनी परियोजना का संबंध देखिए किससे हो जाता है? तो देखिए इसका संबंध आपको गुजरात से होगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, गुजरात से होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 26 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे, 26 नंबर देखिए, कहता है कि बताइए हाल ही में निजी स्पेस कंपनी कौन सा एस्पेक्स एक्स द्वारा लॉन्च विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है भाई? तो ये देखिए Jupiter 3 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, Jupiter 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए 27 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, 27 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? कौन सा? तो इसमें कहता है कि माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? 27 नंबर क्या हो जाएगा? तो यही देखिए इन्हीं का नाम होता है, संकरी चंद्रन नाम होता है इनका। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, संकरी चंद्रन नाम इन्हीं का होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, 28 नंबर सवाल देखिएगा,
28 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो क्या हो जाता है? तो 28 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये नवीन पटनायक होते हैं। 28 का क्या होता है, तो देखिएगा यही है नवीन पटनायक, इन्होंने ही ये रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, अगला देखिएगा 29 नंबर सवाल देखिएगा, 29 नंबर सवाल देखिएगा, खैर तो ये हो गया, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है हाल ही में 24वां, कहता है कि हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, कहता है कि हाल ही में 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, तो 30 क्या हो जाता है, ये 26 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि हाल ही में बहुपक्षीय शयन, ये जल्दी से जल्दी आप लोग सारा का रिवाइज करिए, थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ये ना हो। ठीक है, तो हाल ही में बहुपक्षीय शयन अभ्यास टेलीस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन हो जाता है, किसका, तो टेलीस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, कौन, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 32 नंबर सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में नागालैंड से, कहता है कि हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है, भाई पहली महिला सांसद कौन बनी है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो ये देखिए आप फांगनोन कोन्याक हो जाते हैं, कौन, तो फांगनोन कोन्याक हो जाएंगे, यही हो जाती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर, कहता है कि हाल ही में कौन सा, तो 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 33 क्या हो जाता है, ये खजुराहो में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कहाँ पे, तो खजुराहो हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 34 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में भारत का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है, भाई 34 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि बताइए भारत में भारत का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया, तो ये देखिए आपका क्या हो जाता है, तो 34 का राजस्थान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 35 सवाल का ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि गुजरात उच्च न्यायालय का, कहता है यहाँ पे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश कौन बनी है, भाई 36 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए सुनीता अग्रवाल होते हैं, कौन, तो सुनीता अग्रवाल हो जाएंगे, याद रखिएगा सुनीता अग्रवाल हो जाते हैं ये। कहता है कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सा, देश की एकमात्र महिला न्यायाधीश बनने वाली, और ये कहाँ से होते हैं, तो ये गुजरात के हो जाते हैं, और इनका नाम रहता है सुनीता अग्रवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 37 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, पहला, कहता है कि बताइए भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है, तो आंसर क्या हो जाता है, केरल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 38 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में कौन सा, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, कहता है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई, तो 38 नंबर सवाल क्या हो जाता है, ये देखिएगा खेत सुरक्षा योजना की बात करें तो इसका संबंध आपको उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। आंसर क्या होता है, डी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, कहता है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आप देख लीजिए इसे शाहरुख खान हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, शाहरुख खान को बनाया जाता है। आंसर ए हो जाता है। ठीक है, 40 नंबर सवाल देखिएगा, 40 यहाँ पे कहता है, 40 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन, कहता है कोरिया ओपन कौन सा, कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता, कहता है कि बताइए हाल ही में कौन सा, तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता। आंसर डी हो जाएगा, कौन, सात्विक और चिराग हो जाते हैं, कौन होते हैं, सात्विक और चिराग हो जाते हैं, यही लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कौन सा, तो रजत पदक जीतने वाले विश्व की पहली आर्मलेस महिला शीतल देवी किस राज्य से संबंधित है,
तो पूछता है किस राज्य से संबंधित हो जाएंगी, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाता है, किससे, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 42 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 42 देखिए, कहता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बना है, कहता है कि 54वां जिला कौन सा बना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जिला का नाम होता है नागदा, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाता है, नागदा बना है। ठीक है, याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में, प्रश्न कहता है हाल ही में खड़ग नदी बेसिन, कहता है कि खड़ग नदी बेसिन परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, कहता है किस राज्य सरकार ने क्या किया है, मंजूरी प्रदान किया है, तो क्या हो जाएगा, ये राज्य होता है आपका ओडिशा हो जाएगा, किसने, आंसर सी हो जाएगा, ओडिशा ने मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 44 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 44 कहता है कि हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम, क्या भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान पर है, भाई भारतीय फुटबॉल टीम में भारत की स्थान पूछ रहा है कि बताइए कितने नंबर पे होता है। ठीक है, तो 44 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 99वां स्थान हो जाएगा, 99 क्या होता है, 99वां स्थान इसका हो जाता है भारत का। अगला देखते हैं हम लोग, 45 नंबर देखेंगे, देखिए 45 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना है, कहता है कि बताइए हाल ही में कहा तो हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन बना है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आर प्रज्ञानंदा हो जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाता है, आर प्रज्ञानंदा ये हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 46 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन बना है, भाई कौन सा, तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन बना है। ठीक है, 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, पूछता है ये सवाल कि दिलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन बना है, तो ये आपका आंसर हो जाता है दक्षिण क्षेत्र हो जाता है, कौन सा, तो दक्षिण क्षेत्र हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला 47 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल कौन सा, तो लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है, भाई 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने किया, तो याद रखिएगा मेटा ने किया, आंसर क्या हो जाता है ए हो जाता है, किसने, तो मेटा ने किया। अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल देखिएगा, 48 कहता है कि हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए सात्विक रंकी रेड्डी हो जाते हैं, आंसर क्या हो जाता है डी हो जाएगा, 48 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाता है, सात्विक रंकी रेड्डी नाम होता है इनका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 49 नंबर सवाल देखिएगा, 49 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का, कहता है कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ हुआ है, कि तो कहाँ हो जाएगा, कार्यालय भवन का निर्माण पूछता है कि सबसे बड़ा भारत में कहाँ पे, तो गुजरात में हो जाता है, आंसर ए हो जाता है, कहाँ पे, तो गुजरात में हो जाएगा। अगला देखिएगा, 50 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 50 कहता है कि हाल ही में प्रकाशित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हो जाते हैं, 50 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए कहता है कि बताइए थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हो जाते हैं, अभिषेक चौधरी हो जाते हैं, आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, सॉरी टीएन सेशन हो जाते हैं इसका, सॉरी टीएन सेशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएन सेशन हो जाएंगे। ठीक है, किसका, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 51 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 51 नंबर सवाल कहता है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार, ठीक है 23 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला कौन हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश हो जाता है, तो ये देखिए सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा देश हो जाता है, तो ये देखिए आपको सिंगापुर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 53 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आए कौन सा तालिम टाइफून का नामकरण किसने किया था,
तो कौन सा देश हो जाएगा? तो ये देखिएगा, ये नामकरण आपको फिलीपींस करता है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, याद रखिएगा। 54 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। 54 कहता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप, कहता है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये हो जाते हैं कार्लोस अल्कराज, नाम होता है इनका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 नंबर हो जाता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप, कहता है कि हाल ही में कौन सा? तो हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है भाई? तो 55 नंबर क्या हो जाता है? तो ये देखिए, मार्केता बांडरसोवा नाम रहता है इनका, मार्केता बांडरसोवा नाम रहता है, आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 55 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो 55 का क्या हो जाता है? तो 55 का देखिएगा, ये हो जाता है मार्केता अंडर शोआ हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 56 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए 56 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में G20 के, कहता है हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की कौन सी बैठक होती है? तीसरी बैठक कहता है कि कहाँ आयोजित हुई थी? तो 56 नंबर क्या हो जाएगा? गांधीनगर में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? गांधीनगर, याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, गांधीनगर में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 57 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में 25वीं, कहता है हाल ही में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 57 क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, पदक तालिका में इसको तीसरा स्थान प्राप्त होता है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिएगा। 58 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? कौन सा? तो 58 की बात करें तो इसमें कहता है कि भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया है? तो ये आपको राज्य कौन सा हो जाता है? ओडिशा को सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 59 नंबर देखेंगे। 59 नंबर कहता है कि बताइए हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र, कहता है कि हाल ही में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 59 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो 59 नंबर सवाल देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 60 नंबर सवाल देखिएगा, 60 नंबर सवाल देखिए, कहता है हाल ही में भारत का चौथा रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? 60 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है यहाँ पे बताइए हाल ही में भारत का मतलब चौथा रनवे वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो क्या हो जाता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है 60 का। ठीक है, याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल देखते हैं। 61 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 61 कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, कौन सा? नोमैडिक सैन्य अभ्यास, यहाँ पे कहता है किस देश के साथ नोमैडिक्स जो एलिफेंट है सैन्य अभ्यास जो है किसके साथ हुआ? तो देखिए, भारत और मंगोलिया हो जाता है। कौन सा? तो ये देखिए, भारत और मंगोलिया हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा कंट्री हो जाता है? तो भारत और मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, नोमैडिक। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे 62 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में आथुर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया, कहाँ? तो आथुर पान के पत्तों को GI टैग प्रदान किया गया, कौन सा हो जाता है, किस राज्य का है? तो याद रखिए, तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 63 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में मानव हाथी संग्रह को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया? 63 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि कौन सा? तो गजा कोठा प्रोजेक्ट आपको शुरू किया असम ने। 63 का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 64 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण, कहता है कि हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाता है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, किसको, आंसर सी हो जाएगा, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया, आंसर सी हो जाता है। अगला देखते हैं 65 नंबर सवाल देखेंगे। 65 कहता है कि हाल ही में कौन सा, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। 65 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा LV-M3-M4 के माध्यम से किया गया, LV-M3-M4 के माध्यम से इसको किया गया है, ठीक है। 66 नंबर सवाल देखते हैं। 66 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो 66 क्या हो जाता है, और ये जो सम्मान दिया वो कंट्री हो जाता है, फ्रांस ने दिया, आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 67 नंबर सवाल देखेंगे। 67 कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है, भाई कौन सी प्रणाली लॉन्च की है, तो 67 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये सागर संपर्क हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है सागर संपर्क। अगला देखते हैं हम लोग 68 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया है। 68 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 68 देखिए देवाशीष चटर्जी हो जाते हैं, आंसर बी हो जाएगा, देवाशीष चटर्जी हो जाते हैं। अगला 69 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की जो सैन्य शक्ति है उसमें भारत का स्थान बताइए कितना हो जाएगा, तो चौथा हो जाता है, कौन सा, तो भारत का स्थान कितना हो जाता है, चौथा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 70 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फिन की खोज की हुई है, ठीक है। 70 क्या हो जाता है, कहता है कि बताइए कौन से उपग्रह में कौन सा फॉस्फिन की खोज किया है, तो बताइए क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है किस ग्रह पे, तो शुक्र ग्रह हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य होता है। 71 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये सब सेशन जो है जितना भी हम करेंट अफेयर्स आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब चीज़ हो रहा है, थोड़ा इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है, और साथ ही साथ मेरी एनर्जी जो है हमेशा बरकरार रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर इसको करिए, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। देखिए कहता है कि हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा हो जाता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 72 नंबर सवाल देखिएगा। और देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि अभी जो टाइम है ना सिर्फ रिवीजन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, एक क्वेश्चन का रिपीट भी नहीं करेंगे ताकि आपको मतलब ज़्यादा ये करना पड़े, एक ही बार में हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, और फटाफट आप रिवीजन करते चले जाइए क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। और कहते हैं हाल ही में 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। 72 क्या हो जाएगा, तो देखिए सोनभद्र में किया गया, आंसर क्या होगा, डी हो जाता है, कहाँ पे, तो सोनभद्र में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 73 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है। 73 नंबर सवाल, जुके 2 किसने लॉन्च किया, याद रखिएगा ये चीन के द्वारा होता है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 74 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन पूछता है कि कहाँ हुआ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका उद्घाटन आपको मलेशिया में हुआ, आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, मलेशिया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 75 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे हाल ही में जी ट्वेंटी
कहता है हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन कहाँ हो जाता है, तो ये देखिए गुरुग्राम हो जाता है, आंसर बी हो जाता है, गुरुग्राम में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है 76 नंबर, कहता है कि बताइए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 के लेखक बताइए कौन हो जाते हैं। ठीक है, इसके लेखक बताइए कौन हो जाते हैं, तो अभिषेक चौधरी होते हैं, याद रखिएगा कौन, तो अभिषेक चौधरी हो जाते हैं, आंसर ए हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला को पहला स्थान मिला है भाई। ठीक है, पहला स्थान किसको मिलता है, तो देखिए जयश्री उल्लाल नाम होता है इनका, आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा जयश्री उल्लाल को दिया जाता है। अगला देखिए 78 नंबर सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे हाल ही में किस देश में आयोजित कौन सा बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, तीनों सेनाओं ने क्या किया था, भाग लिया था, क्या हो जाएगा, तो ये देश होता है आपके फ्रांस में लिया था। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 79 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, 78 वहीं दोनों एक ही साथ हो जाता है, 79 देखेंगे। देखिए कहता है कि हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। 79 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो भोपाल हो जाएगा, आंसर सी, कौन सा, 79 का आंसर सी भोपाल हो जाएगा, याद रखिएगा। 80 नंबर सवाल देखेंगे, 80 कहता है यहाँ पे, 80 देखिए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर शुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, अश्विन शेखर के नाम पर रखा गया, अश्विन शेखर, आंसर डी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि बताइए हाल ही में वर्ष 2023 में कहता है कि लोकमान तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, कौन हो जाते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया जाता है, आंसर सी हो जाएगा, और याद रखिएगा बहुत ही VVI है। ठीक है, अगला देखिएगा 81 नंबर सवाल, कहता है यहाँ पे हाल ही में अविनाश ज्वालामुखी पूछा जा सकता है, अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दिया था, किसने किया था, तो ये देश हो जाता है पेरू ने किया था, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किस देश ने किया था आपातकाल की घोषणा, तो पेरू हो जाता है। 83 नंबर सवाल देखिए, 83 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, किसका, तो पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये रोबोट है मानव जैसे आपको रोबोट मिलेंगे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, यही सवाल पूछता है, तो कहाँ पे हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था, याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा, कहाँ पे, तो जिनेवा में। अगला सवाल देखिएगा 84 नंबर, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन हो जाता है, तो ये देखिए पहला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 85 नंबर सवाल, कहता है यहाँ पे हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो ये देखिएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 85 नंबर सवाल, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन पूछता है कि बताइए कहाँ किया गया है, तो क्या हो जाएगा, इसको किया जाता है हम्पी में, इसका आयोजन कहाँ, हम्पी, आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, हम्पी में इसका आयोजन होता है। अगला सवाल देखिएगा 86 नंबर सवाल, कहता है यहाँ पे हाल ही में भारत में सिंधु घाटी काश युगेन सभ्यता के समानांतर लौह युगेन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं, 86 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये देखिए ये जो प्रमाण मिला है आपको तमिलनाडु में, आंसर डी हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में गारंटी बजट, कहता है कि बताइए गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है, 87 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो इसे पेश किया है किसने, तो कर्नाटक ने पेश किया है, 87 नंबर क्या हो जाएगा, तो 87 नंबर का आंसर बी हो जाता है। 88 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता क्या किया, ग्रहण की है, 88 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये आप याद रखिए बहुत भी है, ये सदस्यता आपको भारत ने प्राप्त किया है,
यह सदस्यता आपको भारत ने प्राप्त किया है, याद रखिएगा। 89 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 89 नंबर सवाल कहते हैं कि हाल ही में चर्चा में, कहता है कि चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है भाई, तो किसको किया है, तो ये देखिए टमाटर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, किसको किया, तो टमाटर को किया है, ठीक है। 90 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे, 90 नंबर सवाल देखिए कहता है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है भाई, तो 90 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसे श्रीलंका, ये ब्राज़ील को सौंपा गया है, जिसका आयोजन कहाँ पे होगा, ब्राज़ीलिया में होगा। 91 नंबर सवाल देखिए, 91 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रही कौन सा, किदुथानी परियोजना, कहता है किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है भाई, कहता है किस देश से हो जाएगा, तो इसका संबंध आपको तंजानिया से हो जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा, तंजानिया से। अगला सवाल देखते हैं, 92 नंबर सवाल देखिए कहता है हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो 92 क्या हो जाएगा, ये देखिए उत्तर प्रदेश में किया गया, आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 93 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे, 93 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में कौन सा संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थाई सदस्य कौन सा बना है, तो याद रखिए बहुत ही VBI है भाई ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 93 का, तो क्या हो जाएगा, ईरान नया सदस्य बनता है, SU का नया सदस्य पूछा जा सकता है, कौन सा, तो 9वां सदस्य कौन बना, ईरान बना, याद रखिएगा इसको। 94 नंबर सवाल देखिएगा कहता है यहाँ पे हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस आईफा पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 94 क्या हो जाता है, देखिए इसका नाम रहता है लालियान ज्वाल छांगटे हो जाते हैं, ठीक है, लालियान ज्वाल छांगटे हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 95 नंबर सवाल देखिएगा, 95 नंबर सवाल कहता है कि जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश किस देश को बनाया गया है, कहता है कि बताइए अतिथि देश किस देश को बनाया गया है, तो क्या हो जाता है, तुर्कमेनिस्तान को, कितना, 95 का ए हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा। 96 नंबर सवाल देखिए, 96 कहता है यहाँ पे हाल ही में यूएसए यूनेस्को में, कहता है हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है और यूएसए इस संस्था से कब अलग हुआ था भाई, तो कब अलग हुआ था, तो देखिए ये 2018 में अलग हुआ था, ठीक है, जो शामिल फिर से हो गया है। अगला सवाल देखिएगा, 97 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, 97 कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है, कहाँ प्रारंभ किया है, तो देखिए ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 98 नंबर सवाल देखिएगा, 98 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन बना है, तो क्या हो जाएगा, तो विजेता टीम आपका भारत बनता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 99 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है, तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ हो जाता है, तो ये देखिए तरंग शक्ति मतलब राजस्थान में, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कहाँ पे, तो डी हो जाएगा, कहाँ, राजस्थान में। और इस सेशन का हमारा, इस रिविज़न का अंतिम सवाल हो जाता है, ठीक है, और रिविज़न में अगर हम बात करें तो 900 क्वेश्चन हो जाता है, और बिहार का भी स्पेशली आपको चलेगा, बिहार का करंट अफेयर्स अलग से हो जाता है, और बारी बारी से बहुत सारा हो जाएगा, और टोटल का टोटल हम कर देने वाले हैं, ठीक है। कहता है कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना, तो ये HDFC हो जाता है, ठीक है, HDFC हो जाता है। फास्ट रिविज़न कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में जितना रिविज़न जाएगा ना, उतना ही एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा, स्कोर बढ़ाने की काम करिए। और करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो 30-35 सवाल आते हैं, अगर 22-25 नंबर अगर आप बना लेते हैं तो समझिए कि 100% आपका 69 BPSC में रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज भी करें, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट हो। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको 100 के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।